हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बियॉन्ड रेसिपीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कोकोनट ब्रांड की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई का एक ऑनेस्ट और नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू। जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट। पन्नी को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ये देखिए, हमारे सामने आ जाती है चमचमाती कोकोनट ब्रांड की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई। सबसे पहले आपको मैं इसका क्लोज से लुक दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रीमियम और शाइनी फिनिश के साथ आपको मिलती है बहुत ही सुंदर सी कढ़ाई। इसको अगर आप अपने किचन में रखेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कढ़ाई कहाँ से परचेज की है। बहुत ही सुंदर है। और सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है। जी हाँ, आपको मैं पूरी तरह से आपको आस्था से दिखा देता हूँ कि कैसी दिखती है। राउंड शेप में है ये, राउंड शेप में है। वाइड इसका पैनल है, काफी चौड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ बहुत मजबूत हैंडल्स आपको दिए गए हैं। और ये कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, यानी कि इसमें एल्यूमिनियम की तरह हार्मफुल केमिकल्स की लीच होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कोकोनट ब्रांड के बारे में बता सकते हैं कि ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कढ़ाई है, ये हैमर्ड कढ़ाई है। सबसे बड़ी खासियत इस कढ़ाई की है कि यहाँ पे काफी हैवी गेज स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, ये कोई चीप क्वालिटी की सस्ती स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई नहीं है, जो कि आपके खाने को जला देती है, जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल लगता है। यहाँ पे आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने लाइव कुकिंग टेस्ट में, अगर आपने मेरी वीडियोस देखते हैं कुकिंग की, उसमें मैंने लाइव कुकिंग टेस्ट में इसको परखा था और बिल्कुल इसको मैंने इसको 100% अंक दिए हैं। इसमें खाना बिल्कुल भी नहीं जलता। इस पर आप लो मीडियम हाई फ्लेम पे कुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉर्मली जो एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में समस्या रहती है कि उसमें तेल ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल ऑयल, जितना घर में तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसी तेल में इसमें आप खाना बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस भी आते हैं। छोटे साइज की कढ़ाई भी आती है, बड़े साइज की भी आती है, मीडियम साइज की भी आती है। जितनी आपकी घर में आवश्यकता है, जितनी आपकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब जल्दी से आपको इसके बारे में एक चीज बताता हूं। अगर आप इसके डिजाइन की ओर देखें तो इसका डिजाइन ऐसा है कि इसमें आप फ्राइंग भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तलनी है, आपको कोई भी चीज ऐसी बनानी है जिसमें आपको तेल में तलना है, वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसका वाइड, ये देखिए, चौड़ा है ये पूरा का पूरा सरफेस। यहाँ पे कड़छी चलाना बड़ा आसान होता है। कड़छी आप बड़े आराम से चला सकते हैं, चारों तरफ कड़छी को घुमा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात है, अगर आपने नमक डाल के किसी चीज को बेक करना है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि चौड़ा है, पूरी कढ़ाई चौड़ी है, तो आप आराम से इस तरह के काम इसमें कर पाएंगे। अगर मैं इसके हैंडल्स को आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया ढंग से इसको अटैच किया गया है। ये कोई ऐसे हैंडल्स नहीं है जो दो दिन में या बहुत जल्दी से टूट जाएंगे या लूज हो जाएंगे। ऐसी समस्या आपको इस तरह की प्रीमियम क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में नहीं देखने को मिलने वाली। बहुत भारी पैने की कढ़ाई आपको मिल जाती है, 3 mm की, 3 mm की यहाँ पे आपको इसमें मोटाई मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी मानी जाती है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की ये हैवी गेज की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लाना चाहते हैं, जिसमें आपका खाना अच्छे से पके, दिखने में सुंदर हो, मजबूत हो, जानदार हो, तो डेफिनेटली कोकोनट ब्रांड की ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बियॉन्ड रेसिपीज की ओर से 9 out of 10। तो दोस्तों, इस जैसे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आता ही रहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।